हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौहान्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सामा चावल की कचौड़ी, जिसको फास्टिंग में हम आराम से बना के खा सकते हैं। इसको कुछ लोग भगर भी बोलते हैं। ये बनने में बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं सामा चावल की कचौड़ी हम कैसे बनाएंगे। सामा चावल की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल सामा चावल, जो इस तरीके से छोटे छोटे आते हैं, जिसको फास्टिंग में व्रत में खाते हैं हम। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़े से बॉयल आलू लिए हैं। यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया है, आधा नींबू लिया है, हरी मिर्ची ली है मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। ये सौंफ और जीरा को भून के उसको मैंने यहाँ पर लिया है। ये मैंने सेंधा नमक लिया है और यहाँ पर थोड़े से धनिया पत्ता मैंने लिए हैं। पहले हम यहाँ पे हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हम यहाँ जो बॉयल आलू लिए थे, हम एक एक करके इसको तोड़ेंगे। इस तरीके से हाथों से, हल्के हाथों से इसको तोड़ के हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। इस तरीके से हम सभी आलुओं को एक एक करके, सभी आलुओं को अच्छे से हम इस तरीके से मैश कर लेंगे। इसमें हम अब डालेंगे सेंधा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा आधा टीस्पून सौंफ और जीरा, उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम दो तीन हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा नींबू हम इसमें डालेंगे, नींबू का जूस, लेमन जूस हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे। और सभी आइटम को, सभी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी स्टफिंग बनकर रेडी है। अब इसको ढककर हम एक साइड रख देंगे और हम सामा चावलों की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक बाउल हमने सामा चावल लिया था, जिसको हम तीन बार अच्छे से धो लेंगे पानी से और इसको दरदरा पीस लेंगे। इसमें पीसते समय नमक और हरी मिर्च भी डाल देंगे। ये मैंने यहाँ पे सामा चावल को थोड़ी सा हरी मिर्चें और सेंधा नमक के साथ पीस लिया है। अब हम इसको गैस की तरफ लेके चलते हैं। अब एक नॉनस्टिक पैन लेंगे हम। अभी गैस को चालू नहीं करेंगे, पहले हम ये जो हमने पीसा था पेस्ट सामा चावल का, उसको पहले हम नॉनस्टिक पैन में डाल देंगे। पूरा पेस्ट हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इस बैटर को, मिक्सचर को धीरे धीरे ऐसे हिलाते रहेंगे। ये जैसे जैसे थोड़ा गर्म होते जाएगा, वैसे वैसे ये मिक्सचर गाढ़ा होते जाएगा। हमको इसको एक डो के फॉर्म में लाना है, आटे के जैसे इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। इसको कंटिन्यूसली हमको इस तरीके से हिलाना है। ये देखिए ये धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है। ये इस तरीके से धीरे धीरे गाढ़ा होते जाएगा और ये ऐसे बाइंड होते जाएगा। इसको ऐसे ही हिलाते हुए हमको थोड़ा थोड़ा सा करके पूरा इसको बाइंड करना है। देखिए हमारा ये सामा चावल का जो मिक्सचर था, इस तरीके से बाइंडिंग पोजीशन में आ गया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल के इसको थोड़ा थोड़ा तेल डाल के इसका सख्त आटा हम गूंदेंगे। अब इसमें हम एक एक चम्मच तेल डालेंगे और थोड़ा सा अजवाइन हम इसी में डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से बाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें नमक और हरी मिर्च पहले से पीसते समय ही डाल दी थी। इसका एक सब डो लगा के रेडी करेंगे। देखिए इस तरीके से ये आटा हमारा बनके रेडी है। इस तरीके से ये हमारा आटा बनके रेडी है। अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। एक लोई हम उठाएंगे इस तरीके से आटे के साइज़ की, जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं उस तरीके से, और इसको हम हाथों से इस तरीके से चपटा करेंगे। हाथों पर
और टिक्की पर थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे और इसके हाथ हथेलियों पर इस तरीके से इसको प्रेस करते हुए चौड़ा करेंगे और इस तरीके से हम इसको चौड़ा करेंगे। चौड़ा करने के बाद जोड़ते हुए हम चलेंगे इसको और इसके मिडिल में हम ये आलू की स्टफिंग डालेंगे इस तरीके से और इसको हम अच्छे से इस तरीके से चारों तरफ से प्रेस करते हुए बंद कर देंगे। अच्छे से इसको हम प्रेस करते हुए बंद करेंगे क्योंकि ये गीला आटा है इसीलिए आराम से जुड़ जाता है ये। और इस तरीके से हम हल्के हाथों से इसको दबाते हुए इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे और रेडी करेंगे। देखिए इसको ज़्यादा हम दबा के नहीं रखेंगे, इस तरीके से ये हमारी बन के रेडी है। इस तरीके से हम चार पांच बना लेंगे। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे पांच कचौड़ियाँ बना ली हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन में यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब हम अपनी एक एक करके कचौड़ियों को इसमें डालेंगे। इस तरीके से हम अपनी सारी कचौड़ियों को एक साथ डाल देंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए होने देंगे। ये 5 मिनट हो गया है। अब इसके बाद हम इसको हल्का हल्का सा पलट देंगे। देखिए एक तरफ से ये लाल होने आया है। इसको हम मीडियम आंच पे रखे हैं और धीरे धीरे करके सारी कचौड़ियों को हम लोग पलट देंगे। ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ बनकर रेडी हैं। ये दोनों तरफ से लाल हो गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। इस तरीके से हम इन सबको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कचौड़ियाँ बन के रेडी है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कचौड़ियाँ बन के रेडी हैं। व्रत के लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।